जापान में जो प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है वहां पर दर्शनार्थियों का भी तांता लगा रहता है। जापान में जो रह रहे भारतीय हैं वो यहाँ पर आते हैं, प्रभु श्री राम का अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनके लिए बहुत ही खुशी का मौका। और जब भी मंदिर जो निर्माण हो जाएगा वो और भी ज्यादा खुशी का मौका होगा। हमें यहाँ पर भारतीय दिख रहे हैं, अंदर से बहुत खुशी होती है आप लोगों को यहाँ भगवान श्री राम का मंदिर होगा। जय श्री राम। पहले तो सब सभी को जय श्री राम। तो यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा खुशी हुई है क्योंकि इंडियन सारे इकट्ठे हुए हैं, भाई भाई बहन सब इकट्ठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि आगे से आगे और सब आए और यहाँ पर दर्शन करें भगवान श्री राम जी का। बहुत खुश है सारे। तो भारत जैसा पूरा माहौल दिखाई पड़ता होगा, भारत में मंदिर में जाते थे वैसे यहाँ भी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। आज हम पहली बार आए हैं सैतामा कैन से। हम तो बहुत लॉन्ग टाइम से जापान में रहते हैं पर ऐसा खुशी का माहौल हमें आज पहली बार फील। खुशी आपके चेहरे दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने जो प्रभु के दर्शन हो उसकी तो खुशी का कोई वो है ही नहीं है ना। उधर अयोध्या भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, यहाँ जापान बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक संयोग है। जापान में युवाओं की जिंदगी बड़ी भागदौड़ वाली जापान में होती है, उनको भी पूजा पाठ के लिए समय मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, पर यहाँ पे मंदिर नहीं होते तो फिर मतलब जितने इंडियन फ्रेंड्स होते हैं हम मिलते हैं, दिवाली पूजा हो गई करते हैं, पर एक प्रॉपर मंदिर हो तो हमें भी होगा कि हम अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। मंदिर भी प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। हाँ जी, और सारे भगवान जी भी हैं। सारे भगवान जी हैं। जो बिलीव होगा बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। इससे बाहर रहने वाले बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि अपना कल्चर जो है वो हमें मतलब कंटिन्यू रहता है ना। इन्हें तो यहाँ जो लोग रहते हैं बच्चे रहते हैं वो टाइम के साथ साथ शायद अपना कल्चर भी भूलते जाए। जापान में भी जय श्री राम सुनाई पड़ेगा आपको, सब कुछ सुनाई पड़ेगा जय श्री राम। एक जो भगवान जी का मंदिर बन रहा है वो हमारे अयोध्या जी में बन रहा है और दूसरा जो मंदिर बन रहा है वो हमारे यहाँ जापान में बन रहा है, सोदो में बन रहा है। तो बहुत ज्यादा खुशी है जो कि हम बयान नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। तो देखिए भगवान श्री राम का दर्शन पूजन करने के लिए जो जो श्रद्धालु आए हुए हैं ये उनके हृदय की खुशी है और अपने संस्कारों को बचा कर रखने का जो एक प्रयास है वो प्रयास भी यहाँ पर लक्षित हो रहा है। शर्मा साथ अभिषेक पद है, भारतवर्ष जापान।